नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं कि दवा खरीदते समय उसकी एक्सपायरी तिथि की भी ध्यान रखें। दवाओं की एक्सपायर डेट 1 से 2 साल की होनी चाहिए। यदि जिन अस्पतालों में दवाओं की एक्सपायरी डेट नजदीक है तो उसे दूसरे जरूरतमंद अस्पताल को भेज सकते हैं। राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि अगर सचिन पायलट के साथ 80% विधायक नहीं हुए तो हम मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छोड़ देंगे। सचिन पायलट से बेहतर राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सेहत के लिए कोई भी नहीं हो सकता है। मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 का अनुमोदन किया है कि इसके साथ ही राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा निगम 1952 में संशोधन, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति का गठन करने जैसे कई अहम फैसले लिए हैं। पिछले 24 घंटों में दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सोना खाड़ी देशों से मुंबई हवाई अड्डे पर कुछ लोगों की मदद से तस्करी कर लगाया गया है। दोनों के खिलाफ गैर जमानती धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कस्टम की जांच चल रही है। चीन में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। समाचार एजेंसी राइटर्स के अनुसार 25 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार चीन में बीते 24 घंटे में 32,943 मामले सामने आए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के बावला में ड्रोन उड़ाने के आरोप में पुलिस ने गुरुवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह वही स्थान है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी थी। ईडी इस बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। राणा कपूर पर पद के दुरुपयोग करने और अपने परिवार को लाश पहुंचाने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने मार्च 2020 में धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया था। टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता राम कपूर ने अपनी ड्रीम कार फरारी खरीद ली है। हालांकि उन्होंने अभी खुद इसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन राम कपूर की फरारी के तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वह और उनकी पत्नी बेहद खुश नजर आ रही है। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे के साथ बैठक के बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आगामी मुंबई नगर निगम चुनावों में प्रचार कर सकते हैं। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ।